गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर आसा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस संगलोत्री। आज की क्लास कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से पार्ट 11 से संबंधित उस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे। पिछले वीडियो में आपने इस पार्ट का अध्ययन किया और इस पार्ट के विराम चिन्हों के बारे में विचारपूर्वक जाना। आज हम इसी पार्ट से संबंधित आपकी बुक की एक्सरसाइज करेंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। निम्नलिखित चिन्हों के अर्धविराम का चिन्ह बताइए। ये आपका सही है। आपकी अगली एक्सरसाइज है भाई बहन में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह। आपका अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू में कौन सा चिन्ह लगता है। उद्धरण चिन्ह। आपकी अगली एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में उचित चिन्ह उचित विराम चिन्ह लगाइए। क्या तुम राजमा चावल खाओगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे तुमने यह क्या किया प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह आज तो तुम्हें पूरे अंक मिले हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमारे देश का नाम भारत है पूर्ण विराम चिन्ह। मेरे पास हरी पीली नीली और गुलाबी फ्रॉकें हैं पूर्ण विराम चिन्ह। आपके अगली एक्सरसाइज सही उत्तर चुनिए चिन्ह कहलाता है। आपके सामने यह चिन्ह बना है। ये चिन्ह कौन सा है पूर्ण विराम चिन्ह। आपकी अगली से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। का खा गा घा ये चिन्ह दिए गए हैं। इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह बताना है। आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह ये है नंबर गा। ये आपके पार्ट 11 से संबंधित एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके अगले पार्ट का अध्ययन कराएंगे जिसका नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार में आपके सिलेबस के आधार पे आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।